हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। मेरी यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चटपटी रेसिपी जो जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए, लग रही है ना कितनी अच्छी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने फ्रूट ले लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। यहाँ मैंने थोड़ा ग्वावा लिया है। दो मैंने यहाँ बनाना लिए हैं। थोड़े मैंने कटे हुए मैंगो लिए हैं। थोड़े मैंने पोमग्रेनेट लिए हैं। थोड़ा मैंने यहाँ हाफ कट किए हुए ग्रेप्स लिए हैं। थोड़ी मैंने यहाँ एप्पल लिए हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ मैंने दो बड़े चम्मच इमली की चटनी ली है। ये इसमें बहुत ही अच्छी लगेगी, इससे हमारी रेसिपी बहुत टेस्टी बनेगी। और यहाँ मैंने एक आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ जीरा पाउडर लिया है, जिसको तवे पे मैंने भून के उसका पाउडर बना लिया है। यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ चाट मसाला और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ काला नमक लिया है, क्योंकि चाट में काला नमक बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, उसमें मैंने एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ग्वावा, और बनाना, और अब हम इसमें पोमग्रेनेट भी डाल देते हैं। गाइज, ये रेसिपी एक तो इस बात के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है कि आप इसमें जो भी आपके पास फ्रूट है, जो भी आपके पास फ्रूट पड़े हैं, आप उनसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने जीरा पाउडर मिक्स कर दिया है। लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, और अब हम इसमें इमली की चटनी डाल देते हैं। अगर आपको इमली की चटनी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आपको मसाले ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद होती है। अगर आपके बच्चे फ्रूट नहीं खा रहे हैं तो आप ऐसे कट कीजिए, उनके लिए चाट बनाइए, वो बड़े चाव से खाएंगे और पूरी चाट ख़त्म कर देंगे। और चाट में अब नींबू डालेंगे हम। एक नींबू का रस मैंने लिया है। चाट हो और नींबू का रस ना हो तो अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि चाट में नींबू का रस जरूर डलता है। तो चलिए, मैंने यहाँ एक नींबू का रस मिला दिया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और कलरफुल लग रही है। तो इसे सर्व करते हैं। देखिए ये बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही डिलीशियस, और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही हेल्दी है, आपके बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी। आपके घर में कोई भी है तो उसके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आपके घर में मेहमान आए तो आप झटपट इसे तैयार करके दे सकते हैं। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। आप बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।